नमस्कार मित्रों, मैं महेश। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पुस्तक चयन प्रक्रिया। दोस्तों, पुस्तक चयन का अर्थ होता है कि जब कोई भी मानव, और मानव की ये हमेशा इच्छा होती है कि वो अपने ज्ञान में उत्तर उत्तर क्या करे, वृद्धि करे, और उसी ज्ञान की वृद्धि या उससे संबंधित आंकड़े जुटाने के लिए वो पुस्तकालय का सहारा लेता है, और पुस्तकालय उसे हर संभव पुस्तकालय का प्रयास रहता है कि उससे संबंधित जो पुस्तकें हैं उनका उसके लिए अर्जन करवाए। तो ये कार्य होता है पुस्तक चयन प्रक्रिया में। दोस्तों, पुस्तक चयन प्रक्रिया से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, पढ़ते हैं पुस्तक चयन, और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुस्तक चयन के उद्देश्य। और पुस्तक चयन के उद्देश्य पढ़ेंगे डब्ल्यू ड्यूरी के शब्दों में। ग्रंथ चयन का मुख्य उद्देश्य पाठक को सही समय पर सही ग्रंथ प्रदान करना होता है। डब्ल्यू ड्यूरी ने कहा है कि ग्रंथ चयन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पाठक को सही समय पर सही ग्रंथ प्रदान करना। ग्रंथालय में ग्रंथ चयन का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य है। अतः हम कह सकते हैं कि ग्रंथालय की सफलता उसके संग्रह पर निर्भर करती है। जो ग्रंथालय की सफलता है, हम कह सकते हैं कि एक सफल ग्रंथालय वही है जिसमें सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हो। तो ये हो जाएगी हमारे ग्रंथालय की ये उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे कि चयन के उद्देश्य क्या है, क्यों करना चाहिए हमें चयन। तो नंबर एक जो पॉइंट है हमारा वो है पाठ्य सामग्री का चयन करते समय पाठकों की अभिरुचियों को दृष्टिगत रखना। पाठ्य सामग्री का चयन करते समय यानी जब हम उनका चयन कर रहे हैं तो हमें पाठकों कि जो रुचियां हैं उन रुचियों से संबंधित पुस्तकों का हम क्या करें, चयन करें। अगला है हमारा सामान्य ज्ञान और मनोरंजन हेतु आवश्यक पाठ्य सामग्री का चयन करना। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज, मनोरंजन एंटरटेनमेंट की आवश्यक पाठ्य सामग्री का चयन करना। नंबर जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कि पाठ्य सामग्री को पाठकों के पाठ्य विषय एवं अध्ययन अभिरुचियों को ध्यान में रखकर संतुलित रखा जा सकता है। और अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कि पाठ्य सामग्री को अंतिम रूप से क्रय करने के लिए पहले पुस्तकालय द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाना। पहले उसका पुस्तकालय द्वारा क्या किया जाना चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि जो हम पुस्तकें खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो पुस्तकें हमारी हों कैसी। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि पाठकों हेतु उपयुक्त एवं पर्याप्त पाठ्य सामग्री का चयन करना। अगला जो अब हम पढ़ेंगे, अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो है पुस्तक चयन की आवश्यकता। और पुस्तक चयन की आवश्यकता में हम जानेंगे कि पुस्तक चयन की आवश्यकता क्यों होती है। पुस्तकालय की श्रेष्ठता और उसमें उपलब्ध पुस्तकों से की जाती है। पुस्तकालय की जो श्रेष्ठता है यानी पुस्तकालय कितना बढ़िया है या कितना बेकार है, इसकी हम जो जानकारी कर सकते हैं वो उसमें उपलब्ध पुस्तक यानी उसमें उपलब्ध पुस्तकों के माध्यम से ये जाना जा सकता है, क्योंकि बिना पुस्तकों के तो पुस्तकालय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जिससे पुस्तकालय में कोई पुस्तक नहीं है तो ऐसे पुस्तकालय में हम पुस्तकालय की कल्पना कर ही नहीं सकते। अब इसलिए पाठ्य पुस्तकालय अध्यक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का चयन करना चाहिए। जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, लाइब्रेरियन जो होगा, उसके लिए उसका दायित्व बनता है कि वो अच्छी से अच्छी पुस्तकों का क्या करे, चयन करे। अब इसमें पढ़ेंगे कि पाठ्य पुस्तक का प्रचुर मात्रा में होना। अत्यधिक मात्रा में पुस्तकों का होना। लोकप्रियता होना, लोकप्रियता कहते हैं कि ऐसी पुस्तकें जो पॉपुलर है, ऐसी पुस्तकों का पुस्तकालय में होना। अगला पॉइंट है हमारा कि पुस्तकालय के साधनों का सीमित मात्रा में होना। पुस्तकालय के संसाधन है उनका सीमित मात्रा में होना, ऐसा नहीं कि ज्यादा दिखावा, ऐसा नहीं कि वहां ज्यादा भीड़ भाड़ लगा रखी है सामान की। तो पुस्तकालय में बिल्कुल कम सामान होना चाहिए और अत्यधिक पुस्तकें होनी चाहिए। पाठकों की अधिकतम मांग का पूर्व बोध होना। जो पुस्तकालय अध्यक्ष होगा उसको जो पाठकों की मांगे हैं उनका जो तरीका है
उनकी जो मांगे हैं, उनकी डिमांड है, उनकी जो चाहत है, उस पुस्तक का सबसे ज्यादा चयन करना और उन सभी बातों को मद्देनजर रखना एक पाठ्य जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है उसका परम दायित्व होता है और उसको इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कि पुस्तकालय सहयोग की भावना का विकास होना। पुस्तकालय सहयोग यानी सभी पाठक आपस में मिलकर पुस्तकालय सहयोग करें और जिससे कि पुस्तकालय का ग्रोथ हो सके। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का उल्लेख आलेख में पुस्तक चयन, जो डॉक्टर रंगनाथन है उन्होंने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के जो 5 नियम दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाए, प्लेलिस्ट में जाए। प्लेलिस्ट में मैंने अलग से एक लाइब्रेरी का वीडियो के लिए एक स्थान दिया है और आप वहां जाकर लाइब्रेरी से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो देख सकते हैं, तो वो अवश्य देखें इससे पहले जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है। तो रंगनाथन के 5 सूत्रों में 3 पुस्तकों से संबंधित है, 3 पुस्तकों से संबंधित है। एक तो पुस्तकें उपयोगार्थ है, पुस्तकें उपयोगार्थ का अर्थ होगा कि पुस्तक प्रत्येक पाठक के लिए उपयोगी होती है। पहले प्राचीन काल में पुस्तक जो होती थी वो केवल साज सज्जा के लिए होती थी, लेकिन वर्तमान समय में उसका जो तौर तरीका है वो बिल्कुल बदल चुका है और अब पुस्तकें उपयोगार्थ हैं। नंबर 2 है हमारा प्रत्येक पाठक के लिए उसकी पुस्तक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक होना अनिवार्य है। ऐसा कोई भी पाठक नहीं होना चाहिए जो कि पुस्तकालय में बिना बात के बैठा रहे, तो प्रत्येक पाठक के लिए उसकी पुस्तकें प्रदान करना। नंबर 3 है प्रत्येक पुस्तक को पाठक, जितनी भी ग्रंथालय में हमारी पुस्तकें हैं सबके लिए एक पाठक की आवश्यकता होती है। पुस्तक चयन के सिद्धांत, अब पुस्तक चयन के सिद्धांत हम पढ़ेंगे, ड्यूरी के सिद्धांत, और नंबर 1 के समय थोड़ा सा जानेंगे कि ड्यूरी कौन था। 1930 में ड्यूरी ने एक सिद्धांत अनुमोदित किया, बुनियादी सिद्धांत जो अभी भी पुस्तकालय के लिए पढ़ने की सामग्री चयन को नियंत्रित करता है। तो आपको याद रख लेना है कि 1930 में ड्यूरी के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसको आज तक फॉलो किया जाता है। यह कहता है कि सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक प्रदान करना। जो ड्यूरी महोदय हैं वो कहते हैं, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो 1930 में दिया था, और इनका जो सिद्धांत है वो कहता है कि सही समय पर सही पुस्तक का सही पाठक के लिए चयन करना। अब इनके द्वारा और जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और तथ्य हैं हमारे, नंबर 1, सभी पुस्तकों के संबंध में निर्णय करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। सभी पुस्तकों, ऑल बुक्स, यानी सभी पुस्तकों के संबंध में निर्णय करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित, एम निर्धारित करना। दूसरा है सिद्धांतों को लागू करना, जो भी कार्य करना है सिद्धांतों के आधार पर कार्य करना है। किसी भी विषय पर अच्छी पुस्तकें प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करना, और आप चाहे कोई भी पुस्तक खरीदें, किसी भी विषय की खरीदें, कैसी भी कैटेगरी की, टाइटल उसका कुछ भी है, आप उस पर लक्ष्य निर्धारित कर दें। प्रतिष्ठित तथा प्रमाणिक पुस्तकों के संस्करण को जुटाना। प्रतिष्ठित जो पुस्तकें बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और प्रमाणित जिनके तथ्य ऑथेंटिक है, उन पुस्तकों को ज्यादा से ज्यादा जुटाना यानी इकट्ठा करना, एकत्रित करना। पुस्तकों के अनुरूप विषय वस्तु का होना, पुस्तकालय के अनुरूप, जैसे हमारा पुस्तकालय विशेष पुस्तकालय, तो विशेष से संबंधित ही पुस्तकें उसमें ज्यादातर हो। यदि हमारा पुस्तकालय सामान्य पुस्तकालय तो उसमें सामान्य पुस्तकें हो। जिस प्रकार का पुस्तकालय हो उस प्रकार की उसमें पुस्तकें होना यह अनिवार्य है। पुस्तकालय के अनुरूप विषय पुस्तकों का होना, ऐसी पुस्तकों का संग्रह चयन जिसकी विशेषता एवं समुदाय नेताओं में मांग की हो, समुदाय के नेताओं ने मांग की, ऐसे पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकों का चयन करना चाहिए जिसकी मांग वहां के निवासियों ने, वहां के नेताओं ने जिसकी मांग की हो। ऐसी पुस्तकों को हटाना जिनका अब और भविष्य में कोई औचित्य नहीं रह गया है। आपको ऐसी पुस्तकों को हटा देना है जिनका अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। नई पुस्तकों के स्थान पर उत्तम पुस्तकों का चयन करना, और उनके स्थान पर जो नई पुस्तकें आए उनमें आपको अच्छी से अच्छी पुस्तकों का क्या करना है, चयन करना है। ये कहते हैं ड्यूई महोदय। और अब आप पढ़ेंगे मेलविन डेवी का सिद्धांत,
और मेलविन डेवी जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, मेलविन डेवी ने पुस्तक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो पुस्तक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति एक हुए हैं मेलविन डेवी। इन्होंने कहा है कि द बेस्ट बुक फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट, यानी इसमें प्रमुख तीन तत्व होते हैं, एक तो सर्वोत्तम पुस्तक है, एक अधिकतम पाठक, यानी सर्वोत्तम पुस्तक है बेस्ट बुक, अधिकतम पाठक लार्जेस्ट नंबर, और कम मूल लीस्ट कॉस्ट। तो ये कहते हैं मेलविन डेवी महोदय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वोत्तम पुस्तक। सर्वोत्तम पुस्तक से जो अर्थ है, सर्वोत्तम पुस्तक वे हैं जो पाठक की समस्या को हल करें या उनकी मांग निश्चित करें। इन्हें तीन भागों में हम बांट सकते हैं। तो एक तो है पाठकों को पाठ्यक्रम पर आधारित, पाठकों को पाठ्यक्रम पर आधारित, जैसे प्रत्येक पुस्तक को पाठ्यक्रम के आधार पर डिवाइड करना। दूसरा है आपका सामयिक पुस्तकों पर आधारित। सामयिक, सामयिक कहते हैं आपकी जो नवीन पुस्तकें होती हैं करंट अफेयर वाली। नंबर तीन है आपका प्रतिष्ठित ग्रंथ पाठ्यक्रम पर आधारित। आपको याद रखना है कि पुस्तकें सदैव शैक्षणिक पुस्तकालय में क्रय करना अनिवार्य है। ये बात आपको नोट डाल के लिख लेनी है कि पुस्तकें सदैव शैक्षिक पुस्तकालयों में क्रय करना अनिवार्य है। सर्वोत्तम पुस्तकों के बारे में सी ए कटर का मत है कि सर्वोत्तम पुस्तकें पुस्तकालय अध्यक्ष अथवा चयन समिति की मांग और आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं खरीदी जाती, बल्कि जो पाठकों के मनोरंजन, ज्ञान वृद्धि तथा अध्ययन के लिए यथार्थ मांगों को संतुष्ट करने के लिए खरीदी जाती है। सीए जो कटर हैं वो कहते हैं कि सर्वोत्तम पुस्तकें, जो सर्वोत्तम यानी अच्छी पुस्तकें हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष अथवा चयन समिति की मांग या आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं खरीदी जाती, बल्कि पाठकों के मनोरंजन और उसके ज्ञान में वृद्धि के लिए और उनकी यथार्थ मांगों को संतुष्ट करने के लिए खरीदी जाती है। ये कहते हैं हमारे सीए कटर महोदय। और अब अगली जो हेडिंग डालोगे आप वो है अधिकतम पाठक है, अधिकतम पाठक है। और अधिकतम पाठकों में आप अधिकतम पाठक संख्या से अभिप्राय है कि चयनित पुस्तकों की मांग अधिक हो, पाठ्य पुस्तकों की मांग से पहले अधिक मात्रा में हो। एल आर काल्विन के अनुसार पुस्तकें स्वयं में कुछ नहीं है जब तक कि उनको मांग के द्वारा उपदेत ना, उपदेत कहते हैं उपयोगी या लाभप्रद ना बना दिया जाए, उनका श्वेत कागज से अधिक जिन पर वह मुद्रित होती है अस्तित्व नहीं होता। अधिकतम पाठकों हेतु पाठ्य सामग्री चयन के लिए वर्णित सिद्धांतों को अपनाया जा सकता है। ये कहते हैं हमारे एल आर महोदय। तो अब इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं वो पढ़ेंगे हम। पुस्तक चयन के लिए गोल्डन रूल, गोल्डन रूल कहते हैं सुनहरा नियम को अपनाया जाना चाहिए। अगर कोई पुस्तक चयनकर्ता के लिए उपयोगी हो सकती है तो यह पाठकों की आवश्यकता की पूर्ति करेगी। नंबर दो जो पॉइंट है हमारा वो है कि पुस्तक चयन करते समय वर्तमान तथा संभावित पाठकों का भी ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में जो है उनके साथ साथ में जो आने वाले हैं संभावित, उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उन्हीं के अनुरूप पुस्तक चयन करके पुस्तकें क्रय करनी चाहिए। अब कम लीस्ट कॉस्ट जो है, आपने दो पढ़ लिए, अब नंबर तीन है हमारा लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट कहते हैं कम मूल्य। कम मूल्य या न्यूनतम व्यय का आशय है कि सीमित साधनों के अंतर्गत ही सर्वोत्तम पुस्तकों का क्रय किया जाए। पुस्तकालयों को दी जाने वाली अनुदान की राशि सीमित होनी चाहिए, अतः इसका उपयोग सही ढंग से होना चाहिए। कभी कभी पुस्तक विक्रेता प्रभावित करवाकर ऐसी पुस्तकों का चयन करा देते हैं जिसका मूल्य भी अधिक होता है और उसका उपयोग भी कम होता है। तो इन बातों का आपको याद रखना है कि जो आपके यहाँ टीम आई है वो आपको अपनी बातों से प्रभावित करके क्यों और बेकार पुस्तकों को अच्छे मूल्य पर दे जाती है। तो इन बातों का एक पुस्तकालय अध्यक्ष को याद रखना चाहिए। और उपहार बिल में पुस्तकालय छूट का भी लाभ उठाना चाहिए, परंतु इसका अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिए कि कीमत में वैसी पुस्तकों को क्रय कर लें जो निम्न स्तर के लेखकों द्वारा लिखी गई है। आप उपहार बिन में पुस्तकालय छूट ये जो सुविधाएं हैं इनका आप उपयोग करें, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप जो
बेकार लेखकों द्वारा यानी कम स्तर वाले लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को आप पुस्तकालय में इंक्लूड कर लें। तो यहां आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और एक पुस्तकालय अध्यक्ष को इसीलिए उभयमुखी होना चाहिए, यानी अंतर्मुखी प्लस बाह्यमुखी उभयमुखी होना चाहिए। जूंग के अनुसार मैकालविन का सिद्धांत, मैकालविन कहते हैं कि ये कहते हैं कि ग्रंथ चयन मान पर आधारित होने चाहिए। इसके अनुसार पुस्तकें स्वयं में कुछ नहीं है जब तक कि उनको मांग के द्वारा उपादेय ना बना दिया जाए। जितना अधिक ग्रंथ चयन से संभव होता है उतना अधिक संभाव्य सेवा होगी। किसी भी पुस्तक की मांग पाठकों द्वारा उसकी उपयोगिता के कारण से अधिक होती है, इसलिए पाठकों की मांग के अनुसार ही ग्रंथों का चयन करना चाहिए। और मांग के आपके तीन पक्ष होते हैं। नंबर एक होती है उपयोगिता, आकार और भिन्नता। आप उसका उपयोग कैसे करेंगे, उसका आकार क्या होगी और उसमें डिफरेंटता क्या है। तो अब सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम रंगनाथन के सिद्धांत। तो दुनिया की कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं बचा जिसमें रंगनाथन ने अपनी कलम ना चलाई। इसमें पढ़ेंगे हम रंगनाथन ने तीन उपसूत्रों को शामिल किया है जो मैंने अभी बताए थे आपको। नंबर एक था हमारा पुस्तकें उपयोगार्थ है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक और प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक, ये रंगनाथन महोदय के अनुसार थी। अब रंगनाथन के द्वारा पुस्तक चयन के जो मापदंड दिए गए हैं वो हैं, नंबर एक होता है स्तर। स्तर कहते हैं स्टैंडर्ड यानी मानक, प्रकाशन तिथि डेट ऑफ पब्लिकेशन, और नंबर तीन है हमारा संस्करण एडिशन, विषय अभिगम सब्जेक्ट अप्रोच, और उसके बाद में आता है हमारा चित्रण और अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स और जिल्दबंदी बाइंडिंग और छपाई कहते हैं प्रिंटिंग को। ये आपको चयन प्रक्रिया के समय मापदंड याद रखने चाहिए माननीय रंगनाथन महोदय के अनुसार। आप पुस्तक चयन की जो नीतियां हैं वो पढ़ें एक बार। पुस्तक चयन की नीतियां, किसी भी ग्रंथालय का मूल्यांकन इसमें संग्रहित ग्रंथों के आधार पर किया जाता है। वास्तव में ग्रंथालयों का लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों को न्यूनतम व्यय पर सर्वोत्तम सामग्री प्रदान करना है। ग्रंथालयों में सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री अर्थात सर्वोत्तम ग्रंथ का संकलन तब तक ही संभव हो सकेगा जब तक आप ग्रंथ चयन करते समय एक श्रेष्ठ ग्रंथ नीति का अनुपालन ना किया जाए। और इसमें आप इसके नियम पढ़ेंगे। नंबर एक आकर्षण का स्वरूप, आकर्षण का स्वरूप है आपका दिखावा अच्छा होना चाहिए। सभी विषयों के ग्रंथ आपके पुस्तकालय में सभी विषयों के ग्रंथ मिलेंगे तो वहां पाठकों की लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी सभी के लिए। यानी ऐसा नहीं कि आप उसमें बाउंडेशन लगाएं किसी के लिए नहीं दें किसी के लिए, वहां सबके लिए वरीयता होनी चाहिए। नवीन एवं अद्यतन संस्करण, आप नई और पुरानी सभी प्रकार की पुस्तकें रखें ग्रंथालय में। एक आता है आपका लोकप्रियता ग्रंथ यानी इन पॉपुलर बुक्स, जो ऐसी पुस्तकें जो सर्वप्रिय हैं उनको आपको रखें। बजट के अनुसार यानी बजट के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ऐसा नहीं कि आप अपना बजट तो है नहीं और बजट से ज्यादा आप करोगे तो वहां आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो ये सभी बातें आपको चयन प्रक्रिया में याद रखनी है। तो दोस्तों इससे आगे का टॉपिक फिर पोस्ट करने वाले हैं हम। ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और जिन्होंने भी इस टॉपिक को देखा है और यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक प्रेस करें। और आज के लिए एक मैं प्रश्न छोड़ता हूं आपको, और प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है कि जो रंगनाथन महोदय ने पांच सिद्धांत दिए थे उनमें से पांचवें सिद्धांत का नाम क्या है, पंच सूत्र, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में पांचवा सूत्र कौन सा था। तो मैं वैसे भी फिर आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।